नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूं आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। आर्यन खान को बेल मिलने पर फूट फूट कर रोने लगे शाहरुख खान। वकील मुकुल रोहतगी ने बताई पूरी दास्तां। गुरुवार का दिन शाहरुख खान एंड फैमिली उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करीब 3 हफ्तों तक जेल में रहने के बाद शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को मुंबई हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। अब वे शुक्रवार शाम या फिर शनिवार को जेल से बाहर आ पाएंगे। बीते कुछ हफ्ते शाहरुख खान और परिवार के लिए बेहद दुख भरे रहे हैं। 3 हफ्तों से पूरे परिवार को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। परिवार ना सही से खा पा रहा था, ना सो पा रहा था। बेल की खबर आते ही शाहरुख खान के परिवार में खुशी का माहौल आ गया है। कोर्ट में आर्यन की पैरवी करने वाले वकील मुकुल रोहतगी ने बेल की खबर सुनते ही शाहरुख खान के पहले रिएक्शन के बारे में बताया। मुकुल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि बेल की खबर सुनते ही शाहरुख की आंखों में आंसू थे। फैसला पक्ष में आते ही वे रोने लगे। सुनवाई के दौरान शाहरुख खासा चिंता में नजर आ रहे थे और जैसे ही बेल की खबर आई तो शाहरुख अपने आंसू रोक नहीं पाए। उनके अंदर की भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आ गई। मुकुल ने यह भी बताया कि आर्यन के जेल जाने के बाद से ही शाहरुख ठीक से खा भी नहीं रहे थे। वे केवल कॉफी के सहारे ही जिंदा थे।